बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा अवामी मुफाद का महंगा तरीन मंसूबा। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये कोई ताजमहल या संगे मरमर से बनी बिल्डिंग नहीं, बल्कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का सिर्फ एक स्टेशन है, जिसे जैन मंदिर स्टेशन कहा जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा अब तक कहाँ पहुँचा है, किस पे कितना कर्जा चढ़ चुका है। फिलहाल के लिए लेटेस्ट अपडेट और बड़ी खबर ये है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की वजह से महकमे खजाना पंजाब और एलडीए का जो महकमा है वो आमने सामने आ गया है, क्योंकि एलडीए महकमे खजाना पंजाब का मकरूज हो चुका है। एलडीए ने ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे के लिए, इसकी तकमील के लिए 10 अरब रुपए कर्जा जो है वो महकमे खजाना पंजाब से लिया था। अब ये जो महकमे खजाना पंजाब से कर्जा लिया गया, उसमें साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के अहकाम पर 10 अरब रुपए का ये कर्जा दिया गया, और इस कर्जे को ब्रिज फाइनेंस फैसिलिटी के तहत एलडीए को दिया गया था, और इस कर्जे को वापस करने की डेडलाइन थी 31 मार्च, जो कि गुजर गई। अब महकमे खजाना पंजाब ये चाहता है कि उसका कर्जा वापस दे दिया जाए, जिसके लिए महकमे खजाना पंजाब ने ऐवाने वजीर आला से रजू भी कर लिया है। इस पर महकमे ट्रांसपोर्ट ये कहता है, महकमे ट्रांसपोर्ट ने इस कर्जे की वापसी को मशरूत कर दिया है इस ऑरेंज ट्रेन की तकमील तक। नाज़रीन, अब ये ऑरेंज ट्रेन की तकमील कब मुमकिन होगी, इसकी डेडलाइन है जुलाई 2019। क्या जुलाई 2019 तक ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल हो जाएगी? क्या अवामी मुफाद का ये सबसे बड़ा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और अवाम इसके ऊपर सफर करने के लिए 31 जुलाई तक तैयार हो जाएंगे? ये बहुत बड़े सवालात हैं और इनके जवाबात आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने अवाम को बताने हैं, वो अवाम जो कि ऑरेंज ट्रेन से बिलवास्ता और बिलावास्ता दोनों तरीके से मुंसलिक है, बिलखसूस लाहौर के अवाम जो कि इसकी वजह से साला साल से डिस्टर्ब भी हैं और मुंतजिर हैं कि ये अवामी मुफाद का सबसे बड़ा मंसूबा कब पाया तकमील तक पहुंचेगा। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी की आगाज करते हैं बाकायदा, और आपको बताते हैं कि ऑरेंज ट्रेन की वजह से कौन कौन से महकमे आपस में मुकाबलेबाजी में आ चुके हैं। ये जैन मंदिर का स्टेशन है, ऑरेंज ट्रेन का ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन ऑफ ऑरेंज ट्रेन आप इस वक्त देख सकते हैं। खूबसूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि इसको मुकम्मल कब किया जाएगा। आप यहाँ का माहौल वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर वो बिल्डिंग्स थी जो कि इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले की ये बिल्डिंग्स थी, जिनको डिमोलिश किया गया, यहाँ के रहने वालों को भारी तादाद में पैसे दिए गए और यहाँ से जगह खाली करवा के ये आलीशान स्टेशन बनाया गया। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे शेख जैनुल आबिदीन ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। जैन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ के मोहल्ले वाले और जिनके यहाँ पे घर डिमोलिश किए गए और जिनकी रहाइश गए यहाँ पे रह गई और जो अभी भी यहाँ पे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। सबसे पहले तो जैन, हम ये देख रहे हैं जुलाई बहुत करीब है और ऑरेंज ट्रेन एक ऐसा मंसूबा है जिसकी डेडलाइन हमें तारीख पे तारीख दी जाती है। पहले भी हमें बताया गया कि 2017 में हम शहरी होने के नाते ऑरेंज ट्रेन में सफर कर सकेंगे, और अभी भी कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो जुलाई 2019 में ऑरेंज ट्रेन में सफर कर सकेंगे। कि क्या ये आपको लग रहा है, मुमकिन है कि जुलाई में आप, आपके घर वाले और आपके शहर लाहौर के जो बासी हैं वो सफर कर सकेंगे जुलाई में? शुक्रिया मदीहा आबिद अली। सबसे पहली बात यह है कि अपोजिशन को और हुकूमत को इस बहस से बाहर निकल जाना चाहिए कि ऑरेंज ट्रेन चलनी है या नहीं चलनी, क्योंकि अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इसको चलाना है तो इसको चलाना है। अब बात आ गई, जो आपने सवाल किया कि जुलाई 30 जुलाई तक की डेडलाइन है, 30 जुलाई 2019 को ये चलेगी या नहीं चलेगी, उसमें जो कानूनी चीज़ें वो ये हैं कि अगर 30 जुलाई तक ये नहीं चलती तो फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है,
आपने तुहिने अदालत की है, जो अदालत ने आपको डेडलाइन दी है आपने उस डेडलाइन को मीट नहीं किया, अल्टीमेटली आपके ऊपर जुर्माना आयद होगा, आपके ऊपर सजा आयद होगी। तो ये महकमा कौन सा डायरेक्ट होगा जिसके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट की तुहिने अदालत की दफात लगेंगी? ये LDA होगा, ये कौन सा महकमा होगा? बेसिकली तो ये जो डेडलाइन दी गई है वह दी ही LDA को गई है, क्योंकि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का जो बुनियादी क्लाइंट है वो LDA और टीपा है, और उसके बाद फिर ठेके आगे वो टेंडर के जरिए दिए गए हैं। तो अदालत ठेकेदारों पे नहीं बल्कि LDA पे लगेगी, LDA के ऊपर लगेगी। और अब इसकी तखीर में जो जिम्मेदारी भी आयद होती है ना मदीहा, वो भी इसी LDA के ऊपर होती है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि काम की सुपरविजन करवाए, काम को फास्टली करवाए, और जहाँ पे काम में सुस्त रवि उस जगह पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर जुर्माना आयद करे। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सुस्त रवि क्यों है, क्या जो बजट है उसकी अदम मौजूदगी है? ये सवाल भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब हमारे साथ ही रहिएगा, रिहायशी हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं सर? हमने यह देखा क्योंकि ये इलाका बहुत कदीमी था, पहले तो इसकी जो तारीखी अहमियत थी वो क्या थी? आप कब से यहाँ रह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे यहाँ पर 53 साल से मेरी एज हो गई, उससे पहले के हमारे बाबा यहाँ रह रहे थे। बिल्डिंग्स की अहमियत क्या थी? बिल्डिंग बस ठीक थी, यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं था। चले, ये अवामी मनसूबा है, हम उसमें बहस में नहीं जाना चाह रहे। 4 साल हो गए हैं हम यहाँ पर इंतहाई कसम पुरसी की हालत में हैं, क्योंकि यहाँ ये ट्रेन मुकम्मल होने को नहीं आ रही, हर 2-3 माह बाद कोई ना कोई डेडलाइन मिल जाती है, और ये मट्टी घट्टा, ये बीमार हो गए हैं हमारे बुज़ुर्ग वालदैन बच्चे, और हर 2 माह बाद कोई ना कोई डेडलाइन आ। अब ये जुलाई दी तो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप ये छोड़ें कि बिल्डिंग पुरानी थी, हमें यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन ये अवामी मफाद का मंसूबा है, इस वजह से आप खुश हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मुकम्मल हो जाए। मुकम्मल हम ये चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो, लेकिन क्या हमारी ये रहाइश है, मेरा छोटा मोटा काम है यहाँ पर, ये मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ, लेकिन मुझे 4 साल हो गए और मैं इंतहाई परेशान हूँ। मेरे लिए कुछ मैं जिस्मानी फिजिकल डिसेबिलिटी भी, आना जाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो ताकि जैन एक वो कहते हैं कि एक गले में हड्डी अड़ जाती है, ना उगली जाती है ना निगली जाती है, तो क्या आप इसको तशबीह देंगे इस प्रोजेक्ट से? बिल्कुल, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन तो इस वक्त उसकी यही सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, और खसूसी तौर पर जो इस वक्त बुज़दार सरकार है उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि 25 जुलाई को जब नया पाकिस्तान बन गया उसके बाद ऐलान यही किया गया था कि जो साबिक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको अव्वलीन तरजीह पर मुकम्मल किया जाए। आप अगर कंपैरिजन करें, आपने कहा बुज़दार सरकार, और ये जो मंसूबा है ये एक ख्वाब था गुज़श्ता हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का। शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइया में भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब के अहकाम पर महकमा खजाना पंजाब से 10 अरब रुपए का कर्जा लेके LDA को दिया गया, इससे ये साबित होता है कि शहबाज शरीफ साहब कितने मुतहरिक थे इस मंसूबे को लेकर। क्या बुज़दार साहब खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में? देखें जी मदीहा, बुज़दार साहब की तो बात सुन लें कि उन्होंने तो आज तक ऑरेंज ट्रेन के ऊपर कोई एक मीटिंग लेना ही नहीं चाहिए, उन्होंने तो कभी बुला के पूछा ही नहीं है किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी स्टेयरिंग कमेटी को कि बताओ ऑरेंज ट्रेन के ऊपर क्या हो रहा है। आपने स्टेयरिंग कमेटी का जिक्र किया, स्टेयरिंग कमेटी है? स्टेयरिंग कमेटी मई 2018 के बाद खत्म हो चुकी है, तकरीबन 1 साल होने को है, उसके बाद आज तक ऑरेंज ट्रेन का कोई इजलास नहीं हुआ, जो कि हुकूमत की गैर संजीदगी दिखा रहा है कि इस ऑरेंज ट्रेन के हवाले से। अब आपने जो दूसरी बात की पैसों की कि वो शहबाज दौरे हुकूमत में ब्रिज फाइनेंस पॉलिसी के तहत 10 अरब रुपया आ गया, इस वक्त एग्जिम बैंक चाइना ने मुकम्मल तौर पर जो $1.62 बिलियन हैं वो पाकिस्तान को दे दिए हैं। अब उसके बाद जो हुकूमत है वो उस हवाले से गैर संजीदा है, वो पैसे जारी नहीं कर रही। वहाँ से एग्जिम बैंक ने भी कर्जा दे दिया, महकमे खजाना पंजाब ने भी कर्जा दे दिया, तो ये जो डिले है इसका कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? LDA को ठहराएंगे या फिर हुकूमत की अदम तवज्जो ही को ठहराएंगे? बेसिकली मदीहा, ये 3 अदारों की आपस में लड़ाई है, और सॉरी टू से मैं तो ये कहता हूँ ये कमीशन की लड़ाई है, ये ठेकेदारों की लड़ाई है, ये LDA की लड़ाई है, और महकमा फाइनेंस की लड़ाई है। महकमा फाइनेंस ने पैसे दे दिए LDA को, LDA ने लाके अपने खजाने में रखे, खजाना लॉक कर दिया।
पैसे आगे जारी नहीं किए और इसी हवाले से एलडीए ने पैसे आगे जारी ही नहीं किए। यस, 10 अरब 47 करोड़ रुपया आज तक ठेकेदारों को जारी नहीं हुआ, जिसके ऊपर साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार ने 17 अक्टूबर 2018 को ऑर्डर दिए थे कि 10 रोज के अंदर ये पैसे अदा किए जाएं। 27 अक्टूबर को 1 अरब रुपया ठेकेदारों को जारी कर दिया, फिर 10 अरब का 10 अरब वहीं पे स्टक है। यही वजह है कि ये जो यहाँ पे तामीराती काम है ये मुसलसल इल्तवा का शिकार। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो 6 से 8 माह कबल अहकाम जारी किए थे, उन अहकाम की अभी तक तकमील की ही नहीं गई। ये भी तौहीन अदालत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्टीमेटली जब अदालती अहकाम के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उसमें हर अदारे की गैर संजीदगी। ये मदीहा जो फैक्ट है वो यही बता रहे हैं कि अदारे इसमें संजीदा नहीं है इसको बनाने में। आप किसी तो क्या क्या एलडीए, क्योंकि हम अभी हुकाम के पास भी जाएंगे, एलडीए इस बारे में क्या बयान देता है? देखें मदीहा, कोई भी बंदा इसके ऊपर बोलने को तैयार ही नहीं है। और मैं आपको खबर देता हूं कि बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से अफसरान को और सियासी नुमाइंदों को ये हदायत जारी की गई है कि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर ना बोला जाए। ये सामने जैन मंदिर है, ये कोई बॉर्डर है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एक महकमा दाखला का नोटिफिकेशन है, किस चीज को रोका जा रहा है, क्यों नहीं अंदर? नाज़रीन, क्योंकि हम हकायक जो हैं वो आवाम तक पहुंचाते हैं। टीम टॉप स्टोरी एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठने के बजाय ग्राउंड रियलिटी जमीनी हकायक दिखाने के लिए हम खुद, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद रहती है। अंदर जाने की परमिशन लेने के लिए 1000 फोन किए गए, बहुत सारी मुलाकातें की गई, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जैसे हम पाकिस्तानी हैं और ऑरेंज ट्रेन जो है वो एक गैर मुल्क है और वहाँ पर जाने के लिए वीजा दरकार है। ऐसे ही है, आप एक महकमा दाखला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके बाद अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जैन मंदिर नहीं, आप ठोकर न्याज बे गली टाउन से शुरू हो डेरा गुजरा तक चले जाएं, जो स्टेशन मॉडल स्टेशन नहीं भी बने, जो अभी तक जिनका ग्रे स्ट्रक्चर है आप उनको भी देखने नहीं दे रहे। क्या वजह, किस चीज को छुपाया जा रहा है? अगर तो आपने परफॉर्म किया 8 महीनों में, आप कहते हैं कि हमने 98% सिविल वर्क मुकम्मल कर दिया, तो लाए दिखाएं कहां पे वर्क मुकम्मल। एक सवाल, क्या ये ट्रांसपेरेंसी शहबाज दौरे हुकूमत में थी? अल्टीमेटली जी, शहबाज दौरे हुकूमत में अगर आप स्टेशन विजिट करना चाहते थे, आपको याद होगा कि मैंने और आपने उस ट्रेन में बैठ के पूरा प्रोग्राम किया था। अब आप ट्रेन को दूर से भी देख नहीं सकते, क्या किन किन चीजों को छुपाया जा रहा है? ये हकायक हैं, ये जमीनी हकायक आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि सिचुएशन क्या है। आप देख रहे हैं कि ये सूरत हाल है, स्टेशन जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ और काम जो है वो इतनी सुस्त रवि से चल रहा है कि जैसे कि डेडलाइन 3-4 साल की है। लेकिन एक और मरतबा मैं मेंशन यहाँ पे करना चाहती हूँ कि ऑरेंज ट्रेन की डेडलाइन जुलाई 2019 यानी आज से 3 महीने बाकी है। कर्जे भी वापस करने हैं, ऑरेंज ट्रेन को चलाना भी है, ये कैसे मुमकिन होगा? आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम आपको दिखा रहे हैं, जमीनी हकाइक से आगाह कर रहे हैं। जैन मंदिर के स्टेशन के बाद अब मैं मौजूद हूँ चबूरजी ग्राउंड पे। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई थी उसने ये हिदायत जारी की थी कि इस चबूरजी का जो ये आप देख रहे हैं कदीमी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तर्ज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो चबूरजी का ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन होगा। अब स्टेशन तो बनाया गया लेकिन जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई थी उसके अहकाम नहीं माने गए, वैसा स्टेशन नहीं बनाया गया और एलडीए ने मना कर दिया कि हम वैसा स्टेशन नहीं बना सकते। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जैन मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि ये जो इदारों के आपस में अहकाम एक दूसरे को जारी करना है वो क्यों नहीं करते। जैन, अब ये कहा गया था जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी कि जो ये खूबसूरत आप देख रहे हैं इमारत, कदीमी इमारत हमारे पीछे है, इस तर्ज का स्टेशन चबूरजी का स्टेशन होगा, तो एलडीए की जानिब से क्यों नहीं माना गया इसे? देखें मदीहा, इसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक्सपर्ट कमेटी बनी है उसके दरमियान में और एलडीए के दरमियान में एक रिफ्ट शुरू हो गई है, क्योंकि जो मैंडेट दिया गया था एक्सपर्ट कमेटी को वो ये था कि जो ऑरेंज ट्रेन के दरमियान में जो ट्रैक के ऊपर ये कदीमी इमारतें आ रही हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो उन्होंने ये सुजेस्ट किया कि जो इसका बिल्कुल साथ स्टेशन बना है वो बिल्कुल चबूरजी के मॉडल का बनाया जाए, जिस तरह अभी हमने जैन मंदिर का देखा। तो अब एक्सपर्ट कमेटी की जानिब से एलडीए को कह दिया गया, तो एलडीए की जानिब से ये स्टांस इख्तियार किया गया कि हमारा काम कंस्ट्रक्शन का है, तज़ीन और आराइश का काम हम नहीं कर सकते, लिहाजा अब
एक्सपर्ट कमेटी की अगर बात माननी है तो वो चबुर्जी स्टेशन बनाने में भी कुछ 6 महीने का अरसा दरकार होगा, और अगर एक्सपर्ट कमेटी की बात नहीं माननी तो तोहीन अदालत है, तो ये फिर वो एक एलडीए ने एक और जगह तोहीन अदालत कर दी। अगर आप देखें 30 जुलाई को अगर नहीं होता तो इसके ऊपर भी एक तोहीन अदालत है, तोहीन अदालत पे तोहीन अदालत हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हसन नजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एलडीए की जानिब से तोहीन अदालत भी हो रही है, एलडीए जो है वो महकमे खजाना का कर्जदार भी हो रहा है, और इस ट्रेन मनसूबे की डेडलाइन भी सर पर है, ये क्या हो रहा है? देखिए, एक चीज़ तो वाजे है कि जो इन्होंने टाइमलाइन दी गई थी उस टाइम पे तो जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, और मेरी जो है जो ऑरेंज ट्रेन के जो सीनियर इंतजामिया है उनसे मेरी बात हुई है, आज भी बात हुई है, वो ये कहते हैं सीनियर इंतजामिया स्टेयरिंग कमेटी तो नहीं है? नहीं, स्टेयरिंग कमेटी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो फंड्स का इस्तेमाल करते हैं और जिनके पास ठेके भी हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं 93% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन 7% जो काम बाकी है वो टेक्निकल है। स्टेशन दो बनाने थे तो क्या वो नहीं बने? तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि इतने परसेंट काम हो चुका है तो उनको ख्याल नहीं आया जब उन्होंने ये आपको बयान दिया? तो देखिए, मैंने उनसे बहुत सारे सवालात किए, उस सारा अगर उसका मजमुआ निकाला जाए, उसमें से ये निकाला जाए तो वो ये कहते हैं कि शायद ये नवम्बर तक जाके खत्म मुकम्मल हो पाएगा, और वो भी अब जो है हियरिंग आनी है सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उस पर जब आएगी तो मुमकिन है कि वहाँ पर कोई डेडलाइन सामने आ सके, लेकिन वो ये कहते हैं दिसंबर नवंबर दिसंबर तक भी जो है ये मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि क्या होगा, एक तरफ डेडलाइन है कर्जे वापस करने की भी, एग्जिम बैंक की भी, सब डेडलाइंस हैं, और दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि नवंबर दिसंबर से पहले हमें काम कम्प्लीट होता दिखाई नहीं दे रहा। एक और चीज़ है, जिस तरह हसन रजा साहब कह रहे हैं, हसन रजा साहब किस तरह एक और डेडलाइन, किस तरह एक और डेडलाइन लेंगे, चाहे हेयरिंग भी हो, जब एक आपका ये केस निपटा दिया गया उसमें डेडलाइन दे दी गई कि 30 जुलाई को आप मुकम्मल करें, तो क्या फिर डेडलाइन पे डेडलाइन ही लेते रहना, और तो फिर कोई काम नहीं होगा कह रहे हैं। लेकिन एक चीज देखे ना, खास तौर पे यू टर्न गवर्नमेंट का अगर मामला देखे तो वो इस मामले में यू टर्न लेने में शेयर हो जाएगी। आप इस चीज को समझें कि यू टर्न लेने से आवाम को क्या नुकसान हो रहा है? आवाम के नुकसान ही नुकसान है, जहाँ जहाँ से बन रहा है ट्रैफिक जो है, इन्होंने इतना अरबों रुपए लगा दिया, जिस तरह शेख जैन ने बताया अरबों रुपए लग गए, खजाने पे बोझ डलता गया, एक्सिम बैंक को आपने कर्जे देने हैं, कर्जे बरते गए, क्या जब से 8 माह हो गए हैं तो कर्जे भरे नहीं है? बुज़दार हुकूमत ऑरेंज ट्रेन को लेकर कितनी संजीदा है? मेरे ख्याल में संजीदगी दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनके बुजरा हो उस्मान बुज़दार साहब खुद हो, वो सिर्फ ये कहते हैं हम इनको मुकम्मल तो करेंगे, लेकिन वो संजीदा नहीं है, वो ये चाहते हैं क्योंकि ओपोजिशन और गवर्नमेंट का जो है वो इख्तलाफात चल रहे हैं। ओपोजिशन और गवर्नमेंट के इख्तलाफात तो चल रहे हैं हसन, लेकिन यहाँ पर ओपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना है। नाज़रीन, ओपोजिशन में जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वो कायदे हिज़्बे इख्तलाफ हैं कौमी असम्बली के, और हमजा शहबाज जो वे कायदे हिज़्बे इख्तलाफ हैं पंजाब असम्बली के, उनको भी अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि ये अवामी वफाद का मंसूबा है, ये किसी सियासी पार्टी का मंसूबा नहीं है, लेकिन इसको सियासी बनाया जा रहा है जिसकी वजह से अवाम मुश्किल से दो चार हैं और पाकिस्तान सूबा पंजाब कर्जदार हो रहा है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, कंटिन्यू करेंगे, हम आपको इसका चबुर्जी का स्टेशन दिखाएंगे और वहाँ पे क्या हालात हैं और हकाइक क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। आप आज ऑरेंज ट्रेन की कहानी टॉप स्टोरी की जबानी सुन रहे हैं। दो ग्रिड स्टेशन ये बनने थे और इन इस ग्रिड स्टेशन ने ऑरेंज ट्रेन को बिजली की सप्लाई देनी थी, यानी कि जो लाहौर शहर के ग्रिड स्टेशन हैं वो ऑरेंज ट्रेन के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं करने थे, ये मंसूबा था, लेकिन नाज़रीन अभी तक वो स्टेशन ग्रिड स्टेशन नहीं बने। तो ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि ऑरेंज ट्रेन जुलाई 2019 तक कैसे रवा दवा होगी, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान और लम्हा फिक्रिया है। हमारे साथ शेख जैन भी हैं और हमारे साथ हसन नजा भी हैं। हसन, ग्रिड स्टेशन तो बने नहीं और एलडीए हुकाम ये कहते हैं कि 80-90% ऑरेंज ट्रेन का काम मुकम्मल हो गया, वो अपनी बात ये कैसे कह सकते हैं?
देखिए कागजी कार्रवाई तो मुकम्मल करनी है, उनको देखा जाए तो वो 93% काम मुकम्मल होने के दावे करते हैं, और अगर देखा जाए तो अवाम को खुआर करने का इनका प्लान है और मुकम्मल तौर पे प्रोग्राम नजर आता है। हम वो बता रहे हैं जो ग्राउंड कागजात जिसमें वो लिखते हैं कि 93% काम मुकम्मल हो चुका है, ये किसको दिखाने के लिए ये कागजात तैयार किए गए? सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आ रही है, उनको बताना है कि 93% काम हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आ रही है और वो जो कागजात जमा करवाए जाएंगे उनमें 93% काम मुकम्मल हो गया, लेकिन जमीनी हकायक हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि जब ग्रिड स्टेशन नहीं बनेगा तो ट्रेन कैसे दौड़ेगी, आप इसका अंदाजा एक गैर जो अनपढ़ इंसान है वो भी लगा सकता है। देखिए एक और भी चीज सामने आई है जो इंजीनियर्स जो है उनसे मुलाकात की, तो वो ये कहते हैं जो ये पिलर बनाए गए हैं इस पर भी जो है इस पर भी कुछ तहफ़ुज़ात हैं उनको, वो ये कहते हैं उस हद तक जो है पायदार नहीं है जो होने चाहिए, ये जब ट्रेन आएगी हो सकता है आइंदा अगर ट्रेन चलाना शुरू करते हैं तो आइंदा आने वाले 2 से 3 माह बाद ही कोई ना कोई जो है इसके नकायज सामने आने लग जाए। और अगर आप देखें तो ये मशीनरी, अगर आप देखें जो अंदर मशीनरी लगी है इसको जंग लगेगा, इसको दोबारा जो है बहाल किया जाएगा, उस पर लाख से करोड़ों रुपए के अखराजात आएंगे। इसी तरह रूट जो उन्होंने बनाए थे, आप देखिए कि 164 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जो बढ़ता 200 से 300 से जो है वो बढ़ते तकरीबन 350 अरब रुपए तक पहुंच चुका, और ये लम्हा जो है शेख जैन साहब भी बताते रहे कि क्या होता रहा इजलासों में, जो है हर बंदे ने कोशिश की है इस खजाने से लूट आ जाए। अब आने के बाद ये हुकूमत ये कोशिश कर रही है किसी तरीके से आवाम को ख्वार किया जाए, लूट मार का बजाम और इनडायरेक्ट तरीके से गर्म किया जाए। ये अगर कर्जा भरेगा देना किसने है, ये लाहौरियों ने ही देना है, लाहौरियों की आवाम नहीं देना है। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो ही की वजह से ऑरेंज ट्रेन जो है वो दोबारा से ताखीर का शिकार हो रही है, जिसका जो नुकसान है वो महकमे खजाना को ही जा रहा है। अगर महकमे खजाना पंजाब को नुकसान होगा तो उसका जाला कौन उठाएगा? आप और मैं जो के टैक्स देते हैं, जो के टैक्स मनी से ये जो मुल्क चलता है वो तमाम निज़ाम डिस्टर्ब होगा। अगली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कब है? देखें जी, सबसे पहले तो वो मैं हसन रजा साहब वाली बात और आपकी वो ग्रिड स्टेशन वाली बात थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि सिर्फ ग्रिड स्टेशन का काम नहीं बाकी, अभी आपने जो डिपू है उसको मुकम्मल करना है, अभी आपने स्टेबलिंग यार्ड को मुकम्मल करना है। अच्छा, अगर हम कंसीडर कर लें, लेट्स सपोज हम ख्याल ही कर लेते हैं कि सिर्फ ग्रिड स्टेशन ही बनने हैं, तो ग्रिड स्टेशन अगर बनने हैं तो वो कितने फीसद काम बनता है, कितने परसेंट काम बनता है? देखिए उसमें जो ग्रिड स्टेशन का तामीराती काम है ना, वो तो मदीहा दोनों मुकम्मल है। असल ग्रिड स्टेशन में लेस्को ने जो सप्लाई देनी है, जो वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स हैं, जो आप वहाँ पे लाइन बिछनी है, वो अभी काम होना बाकी है। जिसने कितना परसेंट कंसीडर करेंगे आप? देखें मैं अब उसमें चीज आपको बताता हूँ, $1.62 बिलियन का प्रोजेक्ट था। अब जिस चीज के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, सिर्फ उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1 बिलियन है, यानी ये जो हमें बड़े बड़े से पिलर नजर आ रहे हैं इसके ऊपर $0.62 बिलियन खर्च हुआ है। असल जो काम है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है, जो हम ये ग्रिड स्टेशनों की बात कर रहे हैं, जो ये स्टेशन फाल करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी ये तो बना भी नहीं और शीशा टूट भी गया, ये शीशा टूट गया नाज़रीन और आप देख सकते हैं ये शीशा टूट चुका है और इसके कांच नीचे पड़े हैं। ये यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस पे कितना ज्यादा पैसा आएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो इसकी कीमत कुछ और होगी, अब क्योंकि महंगाई बढ़ गई है अब इसकी कीमत भी कुछ और होगी। और ये शीशा है ये भी खजाने से ही होगा, ये आप और मेरे नहीं है, ये हम जो पैसा कहीं ना कहीं से आवाम लाहौरी कमा के लाते हैं ना, शदीद गर्मी में, हबस में, बेरोजगारी में, टेंशन में, परेशानी में, और ऊपर से बिजली महंगी होने में, साफ पानी ना मिलने की वजह से जो चंद एक पैसे कमा के लाते हैं उसमें से मजीद टैक्स देंगे लाहौरी, उसमें से मजीद से लाहौरी जो है अच्छा खासा कमाते हैं, क्योंकि ये वो शीशा है जो कि गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगता है, जो अगर टूटे तो चिकना चूर नहीं होता, वो एक लेयर में गिरता है। लेकिन वैसे भी जब इसका टेंडर करके इसको मंगवाया जाएगा तो फिर और ज्यादा महंगा हो जाएगा। बात ये है कि जब आपने इसकी तरफ तवज्जो ही देना छोड़ दी है तो इसी तरह के हालात हैं, ये तो भूत बंगले बनते जा रहे हैं। हालांकि देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे साजो सामान ऑरेंज ट्रेन का पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि हमारे मुआशरे में चोरी ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है। चर्सी, शराबी, नशाई जितने आप उठा के देख लें यहाँ से, तो अभी तो ये है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से लोहा उतार के लेके जा रहे हैं, बहुत सारी शिकायत हैं, दिन ब दिन चीजें सामने आ रही हैं, शिकायत आ रही हैं। अभी भी आ सकते हैं, भंगी आ सकते हैं, सहाफी नहीं जा सकते अंदर, सहाफी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमने हकायक दिखाने हैं। भंगी आएंगे रात को, आएंगे चर्सी, आएंगे शराबी, आएंगे उठा के ले जाएंगे और यही बिकेगा, आगे जाके जो है 25 से 30 हजार रुपए की चीजें बिकती है,
वो अपने जाके अपना वो जो है चंदे को दो कश लगाने के लिए चीज ले लेते हैं, लेकिन खजाने का बेरा गरक किया जा रहा है। ये किसकी किसकी जिम्मेदारी थी? मुतलका सूबाई वजीर की जिम्मेदारी। आपके आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाने से कबल जैन से ये मैं पूछ रही थी कि वजदार हुकूमत और इस ट्रेन के मामले को लेकर कितनी संजीदा है, आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब की कमान संभाली तब से ऑरेंज ट्रेन के ऊपर कितनी मीटिंग्स हुई? दो मीटिंग्स हुई हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ली थी, और पहली मीटिंग में उस वक्त जो है सूबाई वजीर तलीम मुराद राज ये कहते थे इसको तो बंद कर देना चाहिए, मेट्रो बंद कर दें, क्योंकि उनको पता नहीं था वो कि उनकी कोई वो इतने पिलर्स लगाए हैं फोल्ड करके किसी कबर्ड में रख दें हम। फिर उसके बाद बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है, फिर उसके बाद एक मीटिंग जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ली थी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जब मीटिंग ली थी तो उनको बताया गया था कि काम मुकम्मल है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर डीजी एलडीए इमरान खान वो क्या आमना इमरान खान उन्होंने मामला को किसी और एंगल में देखना शुरू कर दिया, हाउसिंग डिपार्टमेंट ने किसी और एंगल में देखना शुरू कर दिया, इंजीनियर ने किसी और एंगल में, वुजरा की दिलचस्पी इस मामले में नहीं है और हुकूमती दिलचस्पी जो है वो बिल्कुल सिफर है, क्योंकि अगर हुकूमत चाहती जो बरवक्त काम होने वाले थे हो सकते। अदम तवज्जो ही की वजह से ऑरेंज ट्रेन का जो बजट था उसमें कितना इजाफा हो गया अब तक? इजाफा तो होता है, देखिए जो मुफ्तिस किया जाता है मुफ्तिस किसी वो नहीं सिर्फ इस्तेमाल होता, आप देखिए इनडायरेक्ट जो चीजें जाती हैं हाउसिंग डिपार्टमेंट एलडीए और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हेड रखे होते हैं, सिर्फ एक पहले होता था माजी में शहबाज हुकूमत में शेख जैन साहब, तो वो ये होता था कि एक जो आपने हेड रखा है लाइक 85 बिलियन रखे हैं वो इस्तेमाल होते थे और मुख्तलिफ हेड से भी इस्तेमाल होते थे। अब उन्होंने ये कर दिया, आवाम को बेवकूफ बनाने का धंधा है ना, जिस तरह मर्जी तब्दील कर ले, लेकिन अब ये कर दिया कि हेड्स जो मुख्तलिफ बनाए गए हैं उन हेड्स पर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा। फिर ये है कि जहाँ से आमदनी आती है वो मुख्तलिफ हेड्स से जो है लाइक ये है कि सड़कों का बजट हाउसिंग वाले देंगे, CNW मवासलात वाले देंगे, अगर कहीं पुल बनना है तो वो दूसरा डिपार्टमेंट देगा, एलडीए के पास थोड़ा सा वो अपनी जराए आमदनी में से वहाँ लगाएगा, यानी मुख्तलिफ हेड में से अखराजात बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक कॉमन फ्रेज है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हमने देखा इमरान खान साहब ने लाहौर स्टेशन पे आना था और जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह करना था तो उस दिन एलडीए बासा टीपा सब मुतहरिक थे और टेंडर पास होने के बगैर ही तमाम काम कर लिए गए थे, तो वहाँ विल थी यहाँ विल नहीं। वही बात हो रही है ना मदीहा के, संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। असल बात तो ये है जो आप कह रही हैं कि बजट कितना बढ़ गया, इसका इजाफा कितना हो गया। असल में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट पर मुकम्मल तौर पे आवाम को धोखे में रखा गया, और जब तक ये हाई कोर्ट में केस चलता रहा उस वक्त की हुकूमत ने इसका PC1 भी हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाया। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो $1.62 बिलियन और उस वक्त का 165 अरब रुपये है उसमें तजीनों आराई शामिल नहीं है। घर में जो काम करवाना होता है उसमें सबसे महंगा काम होता है वहाँ पे फिनिशिंग का काम करवाना, तो उस $1.62 बिलियन में फिनिशिंग का काम मौजूद नहीं था। जब हम जाते हैं क्योंकि जो ऑरेंज ट्रेन का जो मॉडल है वो तुर्की से अडॉप्ट किया गया है, आप में से अगर किसी भी व्यूअर का नाजरीन का तुर्की जाना का इत्तेफाक हुआ हो या फिर आप गूगल कर लें, आप तुर्की की जो ट्रेन है मेट्रो ट्रेन है या ऑरेंज ट्रेन है उसके स्टेशन देखें और फिर आपने अपनी ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन देखना है। सादगी की इंतहा है तुर्की के जो ऑरेंज ट्रेन है उनके स्टेशन की, और यहाँ पर बादशाहत की इंतहा है जो यहाँ पर ये लग्जरियस किस्म के स्टेशन बनाए गए। ख्याल में आप तो वही बात करें क्योंकि आप खुद वहाँ पे जाके जो है वो मुकम्मल स्टोरी तुर्की में देख के आई हैं, और खासतौर पर टर्की का सिस्टम भी आप देखिए वहाँ के, और सिस्टम में बहुत फर्क है। आप देखिए बाहर वाले जो हैं वो पूरे प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट तब्दील हो लेकिन सिस्टम नहीं तब्दील होता, सिस्टम चलता है, रियासत के खिलाफ कुछ नहीं होता, रियासत चलती है। यहाँ पे ये है कि रियासत को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है, सिस्टम को तब्दील करना शुरू कर दिया जाता है, और अफराद जाते हैं तो साथ अपने जो है प्लानिंग भी जो है ले जाते हैं। हुकूमत को ये चाहिए था, अगर ये प्रोजेक्ट माजी में शुरू हुआ, अगर आपको गलत था आप उसके खिलाफ जो मर्जी इल्जाम ले आते सियासी बातें करते, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए था। और चलिए आइए अगली हम लोकेशन पर चलते हैं, वहाँ से भी हकाइक से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन एक और स्टेशन पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सूरत हाल क्या है, कितने परसेंट काम हुआ है, कितने परसेंट जो काम होना बाकी है वो भी आप अच्छे तरीके से कैमरे की आँख से आप देख सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर सियासत हो रही है कि किसके नाम की तख्ती लगेगी, क्योंकि यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह तो कर दिया था लेकिन अब इसको पाए तकमील तक कौन पहुँचाएगा, तख्ती उसी के नाम की शायद लगेगी। इस वक्त लग ही रहा है कि मैं एक एयरपोर्ट का मंजर है और यहाँ पर जहाज भी लैंड किए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि ये जहाजों की आवाज़गाह भी बन चुका है।
आप ठीक कह रही हैं, जब इन प्रोजेक्ट को गैर संजीदगी से लेंगे तो मेरे ख्याल में गैर संजीदगी का नजर हालात फिर आदमियों का यहाँ पे आना मना है, जहाजों का आना जो है वो यहाँ पर सही है, मतलब वो आ सकते हैं। देखें ये काम तो होना ही है, जब आप इसको गैर अहमियत देंगे तमाम इतने इम्पोर्टेंट मनसूबों को, तो फिर जो है आवाम का पैसे का भी बेरा गर्क होगा, जो लगे हैं उसका भी बेरा गर्क होगा, जो चीज़ आपने बनाई है इसका ही बेरा गर्क होगा। ठीक है, एक साल बाद इसकी तजीन और आयश, उसके लिए अलग से पैसे रखे जाएंगे। इसकी जो है जो मशीनरी पड़ी पड़ी जंगाल लग गया उसके लिए अलग से पैसे रखे जाएंगे। जो आपने बड़े बड़े ला के एसी लगा दिए उसके अलग से पैसे रखे जाएंगे। इसकी सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए अलग से पैसे रखे जाएंगे। ये वहाँ पर बोझ बना रहे हैं, खुदा का वास्ता है, अगर आपने मुकम्मल करना है तो कर दें, नहीं करना तो आप बता दें, कोई चीज चली जाए या तो नाज़रीन, जो आपको बताया गया कि तुर्की की तर्ज का ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया, और ये लग्जोरियस किस्म का आप स्टेशन भी देख रहे हैं अपने शहर लाहौर का, और इसकी हालत भी देख रहे हैं कि जिस तरह से इसके ऊपर पैसे का दरिया बहा दिया गया, इतना पैसा लगा दिया गया कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जो गरीब मुल्क है वहाँ पे इस किस्म के लग्जोरियस स्टेशन होंगे और उनकी हालत ये होगी, और वो आवाम को भी कोई फायदा नहीं दे रहे होंगे, ऐसा है। मदीहा, वो तख्ती वाली बात पहले थोड़ी सी कर लें। जरूर, तख्ती तब लगती है जब कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर तख्ती भी लगनी है, मुस्तकबिल करीब में तो नहीं नजर आ रहा कि तख्ती लगनी है, और फिर तख्ती के ऊपर भी जंग होनी है। मदीहा, जब से बुज़दार सरकार आई है, जब से नया पाकिस्तान बना है, सिर्फ एक जंग लड़ी जा रही है, वो क्रेडिट लेने की जंग है। सिर्फ और सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। या मेट्रो स्टेशन के हाल देखें, स्क्रीन के उस तरफ देखें तो बहुत खूबसूरत है, स्क्रीन के उस तरफ देखें तो क्या वहाँ पे लोग नहीं बसते? ये डार्कर साइड हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे दुकानदार जो है वो भी जमा हो चुके हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुबारक हो। और इस ट्रेन, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। और ये ट्रेन है कि ये कातल ट्रेन है? अच्छा, हाँ जी, ये कातल ट्रेन है। इससे ना तो किसी को अभी तक फायदा हुआ है और ना ही फायदा होगा, ये सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। तो कैसे आपको लगता है कि इससे नुकसान है? कैसे लगता है, हमारे कारोबार ठप हो गए हैं, हमारे कारोबार ठप हुए हैं। यहाँ बैठेंगे भी तो आप ना इसके अंदर, और आप लग्जोरियस किस्म की आप सवारी आपको मिलेगी। पता नहीं कौन सी सवारी मिलेगी, हमें तो नहीं लगता कोई सवारी मिलेगी। सही, सही। नहीं मिलेगी आपको, यकीन नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अभी ये 10 साल भी चलेगी। अच्छा। ये तो हर 10 साल 10 साल मायूस। हाँ जी, ये 10 साल भी नहीं अभी चलनी। अच्छा। बुजुर्ग भी। अस्सलाम वालेकुम सर, तो आपको भी मुबारक हो। ऑरेंज ट्रेन अभी तो शुरू ही नहीं हुई, तो शुरू होगी तो मुबारक होगी ना। अभी ना दूं फिर होल्ड कर लूं अपनी मुबारकबाद कब तक के लिए? जब ये शुरू होगी तब तक के लिए। आपको आपको बहुत ज्यादा खुशबुएं भी आ रही है, यहाँ स्मेल आ रही है, स्मेल है पूरा यहाँ पे, ऐसे ही रहता है? काफी देर से ऐसी है, किसी ने उठाया ही नहीं है। तो क्या कहेंगे आप, ये कितनी जरूरी है, या तो इसको मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करके हुकूमत को पैसे आएंगे ना, ये जब चालू होगी तो हुकूमत को पैसे आएंगे ना, ऐसे तो ठप पड़ा हुआ काम, नुकसान हुकूमत को नुकसान है। आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है जो काम बंद पड़ा है? ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत ही है। क्यों, वो क्यों नहीं चाहते ये मुकम्मल हो? वो चाहते हैं उनका जो किया हुआ मनसूबा वो ना ही शुरू हो। हुकूमत का मनसूबा ना मुकम्मल हो, ना मुकम्मल। आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही है जी, सही कह रहे हैं, हो जाना चाहिए था, अब तक आपके सामने कुछ भी नहीं हुआ। अब कह रहे हैं ये जी जुलाई में चलेगी, अब लग तो नहीं रहा, आपके सामने देखने क्या हालात है। मैं ये देख रही हूँ कि पूरे स्टेशन के पीछे आपका प्लाजा आ चुका है, बिल्कुल बंद है आपके सामने ही। फिर आपके कारोबार पे किस हद तक असर पड़ा है? असर पड़ा जी, बहुत बहुत ज्यादा जी। अब तो आपके सामने देखे, गंद ही नहीं खत्म हो रहा, कह रहे हैं साफ सफाई कराएंगे, ये शहबाज शरीफ था जो सफाई कराता था, इनके बस से बाहर है। बिल्कुल सही है। बात कर दूं, ये खान साहब ना, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, लेकिन खान साहब मुझे लगता है ये नवाज शरीफ और सरदारी का अपना ही बंदा है। अच्छा। जी, इसलिए नहीं ये चलेगी ट्रेन। आपने बड़ी अजीब सी बात की है। मैंने अजीब सी बात इसलिए की है कि खान साहब को कभी भी सुन लीजिएगा गुफ्तगू में यही कहेंगे कि मैं इन्हें जेल भेजूंगा, जेल भेजूंगा। भाई जेल नहीं चाहिए, अगर उन्होंने पैसा लूटा है तो वो पैसा वापस लाए। ये चीज क्या कहेंगे आप? मैं हम तो इसके बारे में कहेंगे कि जिस तरह ये कूड़ा करकट इधर देख रही है, हमारा प्लाजा एक वैसे ऑलरेडी बंद हो चुका है, ये सामने सारा हमारा फ्रंट बिल्कुल ही आउट हो चुका है, और उसके बाद जो हमारे सामने ये जो कूड़ा करकट की बदबू आती रहती है सारा दिन, वो लोग आप देख लें, और हमारे कारोबार का जो एक मेन रास्ता है ना उस साइड से बंद है,
और ये वाली रोड होती है, इधर एक छोटी सी पार्किंग का जो एरिया दिया है उन्होंने उसमें गाड़ी पार्क हो जाती है, तो आप मार्केट के अंदर आने के लिए रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद। अब आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये कब तक मुकम्मल होती दिखाई दे रही है? जब तक पीटी की गवर्नमेंट है मुझे नहीं लगता कि ये इसको ऑन करेंगे। आप आवाम की राय देख रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है इन लोगों को ये मंसूबा मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा? मदीहा देखें, माजी देख के फिर फैसले किए जाते हैं कि किसने कितना काम किया है। अभी तक जो 8 महीने का माजी है वो अवाम ने देखा है और उस माजी के ऊपर ही अवाम की अजम्पशन है कि ये काम नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ करके दिखाया होता, फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 88% शहबाज शरीफ छोड़ के गया, आपकी जो आज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप 92% पे खड़े हैं, यानी आपने 8 महीनों में ऑरेंज ट्रेन का सिर्फ 4% काम किया है। तो अल्टीमेटली ये फैक्ट हैं जो आवाम को पता है, ये सामने मजदूर जो काम करते हैं उनको देख के पता चलता है, फुर्तियाँ देख के पता चलता है कि हुकूमत किस कदर संजीदा है। यही वजह है कि आवाम के सामने कोई आचिम आए कुछ और करप्शन के इल्जाम लगे गए, कुछ चीज़ चले फिर किसी तरीके से चल सकती है, और शहबाज शरीफ जैसा बंदा ढूंढने की कोशिश करें कि जो तेज़ का काम तेज़ कराए, खुद विज़र करे, क्योंकि उस्मान मुजदार साहब तो अपने ऑफिस से निकलते हैं और पहले बताते हैं विज़र करके चले जाते हैं। ये देखें जहाँ पे खुद जो है आप देखें शहबाज शरीफ साहब खुद इसको विज़र करते रहे बगैर बताए। साहब इसमें एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, बुज़दार साहब को नहीं पता कि ऑरेंज ट्रेन कहां से कहां तक चलती है। चीफ मिनिस्टर को छोड़ दें क्योंकि उसको जो है मामला उसको लग कर दें। कैसे छोड़ दें हम चीफ मिनिस्टर को? देखिए चीफ मिनिस्टर पे बहुत सारे सवालात उठते हैं। चीफ मिनिस्टर जब वो कहते हैं ना कोई ऐसा समझदार बंदा आएगा तो फिर आप उससे बात कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब चीफ मिनिस्टर को छोड़ के शहबाज गिल साहब से पूछ लें? देखिए उस पर मैं अब क्या बात करूंगा, उनसे सवालात पूछते हैं तो शायद वो नाराज होते हैं, लेकिन अगर आप इससे तो पहले ही नाराज हैं सर। देखिए आप इस तरफ आए, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि जितनी बदबू है मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर आगे हो जाए तो बेहतर है। ये तो ठीक है, अच्छा आपकी पुरजोर फरमाइश पे हम ब्रेक ही ले लेते हैं क्योंकि बदबू यहाँ पे बहुत ज्यादा है। नाज़रीन जब भी प्रोग्राम टॉप स्टोरी कंडक्ट करते हैं हमारी टीम का मेरा सबसे मेजर फोकस ये रहता है कि हम उस टॉपिक पे रेलिवेंट जो हुकूमत के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं या इदारों के लोग हैं हम उनको भरपूर कॉन्टेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जाती है और आज के प्रोग्राम में भी ऐसा ही हमने किया। हमने ऑरेंज ट्रेन से मुतल्लिका तमाम महकमों को, तमाम सियासी फेसेस को हमने कॉन्टेक्ट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी इस इशू पर बात नहीं करना चाहता। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि अवामी मुफाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसके ऊपर कोई जवाबदेह है ही नहीं और जवाब देना ही नहीं चाहता। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुज़श्ता जो बयान है ऑरेंज ट्रेन से मुतल्लिक वजीरों के इदारों के वो आप करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से मैंने मेंशन किया ब्रेक पे जाने से पहले कि आज के प्रोग्राम में भी तमाम मुतल्लिका ओहदेदारों को, तमाम मुतल्लिका महकमों को और सियासी चेहरों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऑरेंज ट्रेन के इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने को तैयार नहीं है। तो आइए चलते हैं माजी में वुज़रा क्या कहते रहे ऑरेंज ट्रेन के हवाले से, ये जानते हैं, जिनमें वज़ीर इत्तला'आत शमसान बुखारी साहब शामिल हैं, जिनमें वज़ीर कानून और बल्दियात की जो एक्स्ट्रा उनको वजारत मिली है राजा बशारत साहब वो क्या कहते हैं, और जहांजेब खान खिची साहब जो पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट हैं वो ऑरेंज ट्रेन के हवाले से जब उन्होंने टॉप स्टोरी से मुझसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जरा देखते हैं। ऑरेंज ट्रेन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, खजाना खाली है, तो अब इसका कुछ ना कुछ करना है। आवाम बीमार हो रहे हैं, आलूदगी का शिकार हो रहे हैं, 10वां नंबर आ चुका है आलूदगी के लिहाज से लाहौर शहर का, सेकंड 10वां नंबर अब जो लेटेस्ट है उसमें 10वां नंबर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी प्रोजेक्ट से तो हम एग्री नहीं करते, प्रायोरिटीज़ और होनी चाहिए थी हुकूमत की उस वक्त की, लेकिन चूंकि वो कमिटमेंट है पूरा तो करना है, वो तो हुकूमत की कमिटमेंट होती है, तो वी आर डूइंग दैट। सर अभी तक स्टेयरिंग कमेटी नहीं बनी ना कोई चेयरमैन, इंटरव्यू किसका लें? बात नहीं इंटरव्यू की बात ही नहीं है इसमें, आपको सवाल किससे पूछे? सवाल क्यों नहीं पूछे आपसे, सवाल पहली बात तो ये कि करना है, लेकिन प्रायोरिटीज़ की बात ये कि हेल्थ को पीछे छोड़ा हुआ था, उसको छोड़ा हुआ था, अब ये इन्होंने शुरू किया है जिससे हमने एग्री उस वक्त नहीं किया था, बट इट हैज टू बी कम्प्लीटेड, सो वी आर गोइंग टू। 31 जुलाई लास्ट डेट नहीं, मुकम्मल कैसे होगा? देखें लास्ट जुलाई है, उस पे और भी हो गया है, 31 जुलाई का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि तब तक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, नहीं बरल कम्प्लीट उसको करना है, दैट इज एन ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट। ऑरेंज ट्रेन 31 जुलाई को डेडलाइन है और अभी तक ना स्टीयरिंग कमेटी ना उसका कोई चेयरपर्सन, सवाल पूछे तो किससे पूछे? नहीं उस पे काम तो चल रहा है।
इतना स्लो चल रहा है कि कछुए की चाल है? नहीं, कछुए की चाल नहीं है। देखें, हमने अपने रिसोर्सेज भी देखने हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हमने इंशाल्लाह ताला उसको कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे वसाइल मैसर आ रहे हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये भी मतलब आपके इल्म में है कि तकरीबन 4 महीने का बजट जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट खर्च करके चली गई थी। वी वर लेफ्ट विद ओनली 8 मंथ्स। अब उन 8 महीनों का हमने जितने हमारे पास वसाइल थे उन वसाइल के मुताबिक हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी वाजे करना चाहता हूँ कि एक क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है उसकी ये कमिटमेंट है कि ये मनसूबा हमने टेकअप किया है, हमें विरसे में मिला है, सो हम इस सूबे के वसाइल को ज़ाया नहीं होने देंगे बल्कि उसको कम्प्लीट करेंगे। एक आखिरी सवाल है, आप सीनियर वजीर हैं और आपकी जो कमेंट होगा वो बहुत वैल्यू रखेगा, भारी होगा। 31 जुलाई क्या ये कम्प्लीट हो जाएगा या नहीं होगा? शॉर्ट आंसर। देखें, मैं चूंकि मैंने उस न तो वर्क प्रोग्रेस देखी है ना ही मैं उसको एवेल्यूएट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हम इंशाल्लाह ताला कोशिश ये करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। यानी अभी बीच में 31 जुलाई हाँ या ना? नहीं, 31 जुलाई देखना, मैं तो चूंकि उसका वर्क प्लान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि वी आर कमिटेड कि हमने इसको कम्प्लीट। वर्क प्लान है किसके पास, उसका इंटरव्यू हम लेंगे? वो तो इनकी अथॉरिटी बनी हुई है, जो अपना ऑरेंज ट्रेन की अथॉरिटी है उसके चेयरमैन है, आप उनसे जरा चेक। जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है अभी उसकी स्टीयरिंग कमेटी भी नहीं बनी है ना ही उसका चेयरपर्सन है, तो मीडिया डू नॉट नो कि हमने किससे बात करनी है। आप क्योंकि विजिट ट्रांसपोर्ट हैं तो क्या आप हमें कोई टाइम बता सकते हैं कि उसकी एक डेडलाइन जो थी 31 जुलाई है, 31 जुलाई को क्या ये मनसूबा कम्प्लीट होता, विजिट ट्रांसपोर्ट को दिखाई दे रहा है? मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डील कर रही है और ये डेट भी सुप्रीम कोर्ट में ही दी गई है। अब पीएमए इसके ऊपर दिन रात काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि इसी डेट्स में या अन करीब हम ये कह सकते हैं कि 2019 में हम ऑरेंज लाइन को चलता हुआ जरूर देखेंगे। नाज़रीन, ऑरेंज ट्रेन के हवाले से वुज़रा के बयानात आपने सुने हैं। एक और स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इसे यतीम खाना ऑरेंज ट्रेन का जो स्टेशन है वो कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे इदारों का अलमिया है आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जब एक मंसूबा, एक सड़क, एक फुटपाथ, एक आप कह लें असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद याद आता है कि पानी के पाइप तो डालने थे, तो वो दोबारा से सड़क जो नई बनी है उसको खोद के दोबारा से पानी के पाइप डाले जाते हैं। तो ये ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है और बाद में याद आया गया कि यहाँ पानी का पाइप डलना था, तब दोबारा से उसको उखाड़ के पानी का जो है वो पाइप डाला जा रहा है। नाज़रीन, वुज़रा के बयानात आपने सुन लिए, इस पर आवाम क्या कहती है, किन तकालीर से दो चार है और कितनी पुरउम्मीद है ऑरेंज ट्रेन के मुकम्मल होने के लिए, ये हम आवाम से आइए जान लेते हैं। नाज़रीन, आइए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ऑरेंज ट्रेन के लिए आपको कितना ज्यादा आपको फेस करना पड़ा मुश्किल हालात? ये तो तकरीबन आप कह लें कि 3-1 साल हो गए हमें इसके जो उसको है इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। 2-1 साल तो यहाँ पे रास्ते ही बंद थे टोटली, लोगों ने यहाँ से गुजरना छोड़ दिया था और उसका ये नुकसान था कि जिसका जो किराएदार था वो तो कारोबार बंद होने की वजह से यहाँ से छोड़ के डिफ़ॉल्ट हो गया, तो ख़त्म हो गया उसके सारा कुछ। और जो मालिक जो था जो दुकान का, उसने जिस तरह भी कोई गुजारा किया तो वो थोड़ा सा सर्वाइव किया। आपको ये मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है मुस्तकबिल करीब में? अभी तक तो यहाँ पे जितना काम हुआ था वो तो अभी तो रुका हुआ नज़र आ रहा है, अब पता नहीं आगे क्या बनता है क्या नहीं, वो तो अभी। आपको काम में तेज़ी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में नज़र आई या मौजूदा दौरे हुकूमत? अभी तो आप कह लें कि 7-8 माह हुए हैं, जिस तरह के मुल्की हालात हैं उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से ये काम को किया गया वो एक फजूल काम था और उसको बहुत ही बुरे तरीके से किया, लेकिन अब हो गया तो अब इसको जो है इसको कवर करना चाहिए। बुरे तरीके से किया, ये आवाम की राय थी। और भी लोग हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम। ये कब तक आपको उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगा मुस्तकबिल करीब में? बेटा ये कभी भी नहीं हो जाएगा। क्यों? गलत है ना ये प्रोजेक्ट, गलत है ये। क्यों गलत है? आवाम का पैसा छीन के बनाया गया है। अच्छा। आप इससे मायूस हैं? मायूस है और क्या बेटे, मुकम्मल नहीं होगा क्या होगा? मुकम्मल होगा ही नहीं है, देखो इतना पैसा लग गया अभी तक कुछ भी नहीं बना इसका। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, दुकानदार हैं इन्हीं से जान लेते हैं। सर, ऑरेंज ट्रेन आपको लगता है ये मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल हो जाएगी? नहीं जी, मुझे तो नहीं लगता कि ये हो जाएगी मुकम्मल। आपको क्या मुश्किलात है इसकी वजह से, जरा रास्ता दीजिएगा सर।
हाँ जी, हमें ये मुश्किलात है कि हमारे कारोबार में काफी इफेक्ट हुआ है, काफी यानी कि प्रॉब्लम्स आई हैं। जो पहले कारोबार बिजनेस था उससे वो काफी फर्क पड़ा है फिर। अच्छा, लेकिन आपको लगता नहीं है कि मुकम्मल होगा? आई थिंक नहीं, ये नहीं मुकम्मल हो सकता, क्योंकि जिस तरह की उनकी मतलब प्रोग्रेस की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं है इमरान खान मौजूदा हुकूमत। जी बिल्कुल मौजूदा हुकूमत की। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की है ऑरेंज ट्रेन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ऑरेंज ट्रेन को बनते तो देखा है क्योंकि ये आपके शॉप के सामने का प्रोजेक्ट है, आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में ये मुकम्मल हो जाएगी? जी ये बिल्कुल नहीं कम्प्लीट होगी, मुझे यहाँ तक लगता है, क्योंकि पहले हमारे कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छे चलते थे, लेकिन अब हमारा इतना हो गया कि हमारा यहाँ पे दाल रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई है। यहाँ पे कोई आता ही नहीं है पहले नंबर पे, पहले इतना अच्छा काम होता था, हम अच्छे तरीके से रोजगार कमा रहे हैं। इतना मेगा प्रोजेक्ट है उसकी वजह से ज्यादा लोग आने चाहिए थे यहाँ। ये बहुत ज्यादा, ये सामने देखे ना सारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते नहीं है कूड़ा उठाने वाले? नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। ये देख ले सामने पार्क बनाया था, ये पार्क की क्या हालत है, ये सारे यहाँ पे लोग अपनी गधा गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, वो देखें वो सामने, सूरत हाल बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम। और इस ट्रेन मुकम्मल होती दिखाई दे रही है? जो साथ कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। अच्छा, इतनी मायूसी क्यों? पहले हुकूमत काम अच्छा था, हुकूमत फारिग है। फारिग हुकूमत है, कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, वोट किसको दिया था? वोट नून लीग को। नून लीग को आपने दिया था। चले एक सेकंड, हम लोग अंदर वाले जो दुकानदार हैं उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। ऑरेंज ट्रेन आपको मुकम्मल होती दिखाई दे रही है? नहीं होनी नहीं है। वजह को मत करना ही नहीं चाह रही, तब्दीली जो आ गई है इस वजह से। तो तब्दीली तो बेहतरी को कहते हैं। खान साहब को चाहिए ना हमारे लिए सहूलत बना दे, पेशावर नाना बनाए, हमें लाहौर भी चाहिए, लाहौर पाकिस्तान का दिल है। क्या ख्याल है? तो ये दिल को, मेरा नहीं ख्याल कि दिल को जगा के रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। सूरत बात कही आपने। ऑरेंज ट्रेन में कब सफर करेंगी? जब चलेगी। कब चलेगी ये आप बताओ, हमें बताओ, आपको नहीं पता? नहीं। मुकम्मल होती दिखाई दे रही है? नहीं। क्यों? वो जिन्होंने शुरू की है वो अभी नहीं आए, इमरान साहब आ गए तो नहीं चल रही। उन्होंने शुरू की थी, वो नहीं आए, इमरान खान साहब आ गए। और इस ट्रेन में कब सफर करेंगे? जिसको ये तो अजाब बना हुआ है, अब जब कब चलती है इसका कोई पता नहीं है। सर आप कब सफर करेंगे ऑरेंज ट्रेन में? ऑरेंज ट्रेन में कब सफर करेंगे? दुआ करेंगे चल पड़े। दुआ करें, अब आप ये कह रहे हैं कि दुआ करनी चाहिए चल पड़े। बिल्कुल यही है। मौजूदा हुकूमत संजीदा है इसे बनाने में? बस यही कह सकते, दुआ करें कि चल पड़े बस। ठीक है, दुआ करनी है कि ये चल पड़े। और इस ट्रेन में कब सफर करेंगे? अभी तक तो नहीं, देखें इंशाल्लाह आने वाले साल में शायद कर लें। आने वाले साल में? हाँ। अगले साल। मौजूदा हुकूमत इसको कंप्लीट करने में, मुकम्मल करने में कितनी संजीदा आपको नजर आती है? अभी तक तो दिखाई नहीं देती संजीदा, देखें कब तक कर देती है। आप कब सफर करेंगे ऑरेंज ट्रेन में? हम तो नून लीग के दौर में ही करेंगे दोबारा, जब नून लीग इंशाल्लाह आएगी। 5 साल, ये 1 साल कहते हैं वो 5 साल कहते हैं, आपको लगता है कि मुकम्मल हो जाएगी ऑरेंज ट्रेन? हाँ जी। कब तक? जल्दी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोकल वैगन में सफर कर रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन में कब सफर करेंगे? जब चलेगी। कब चलेगी क्या पता, ये हुकूमत को पता होगा कब चलेगी। आपको कब तक उम्मीद है ये चल जाएगी? तकरीबन 1 साल। जल्दी चलाओ वास्ते कहने हैं, पैसा कहाँ ले लाया है, जल्दी चलनी चाहिए। ठीक है, हमें तो छाँ की जरूरत है, छाँ है जी, हमारी गाड़ी छाए के नीचे आती चल जाएगी तो फिर भी बेहतर है, अगर नहीं चलेगी भी फिर भी बेहतर है। और इस ट्रेन कोई और काम कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन छाँव दे रही है चिंची में, लोकल वैगन में तो सफर कर रहे हैं, आप ऑरेंज ट्रेन में कब सफर करेंगे? जब फुर्सत मिलेगी तो। कब तक मुकम्मल हो जाएगी? पता नहीं, कोई भी ये नहीं पता आपको? नहीं। मुकम्मल होनी चाहिए जल्दी कि नहीं? जल्दी होने चाहिए। अभी तक क्या फायदा हो रहा है आपको ऑरेंज ट्रेन का? रश्के में धक्के खा रहे हैं, रक्षे में ये धक्के खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्यों हंस रही है ये बताइए, ऑरेंज ट्रेन में कब सफर करेंगी? भाई ऐसी कोई पहली बार ही आई हूं। अभी तक तो रक्षे में बैठे हैं? पहली दफा लाहौर में आए हैं। कहाँ से आए? फैसलाबाद से। नाज़रीन यहाँ पे स्टेशन के बाहर जो खुदाई हो रही है, जिसका पहले भी मैंने आपको बयान किया, ये क्यों हो रही है मजदूरों से जानते हैं, खुदाई क्यों कर रहे हैं? आप खुदाई करता है, ये मजदूर लोग है, इधर वाटर सप्लाई का खुदाई करता है। वाटर सप्लाई किसको देनी है? ओ ये तो वाटर सप्लाई का ठेकेदार है, ठेकेदार अलाउद्दीन का है। नहीं, ये आपने ऑरेंज ट्रेन को वाटर सप्लाई देनी है?
वाटर सप्लाई हमको पता नहीं है ये क्या बोलता है, तो हम इधर लेके जाना पानी ऊपर। यानी के नाजरीन एक घर बनता है और घर बनाने के मुकम्मल करने के बाद याद आता है कि ओहो वो घर को पानी की सप्लाई तो देनी रह गई, चलो खोदो दोबारा से, फर्श खोदो और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाओ। ये सूरत हाल है और आपने इस सूरत हाल को देखा है। नाज़रीन ऑरेंज ट्रेन के तमाम एस्पेक्ट से हमने आपको आगाह किया आज की टॉप स्टोरी में। आपने तमाम कहानी जानी। जुलाई 2019 तक आपको ये मंसूबा मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, इस हकायक से हमने पर्दा उठाया। टीम टॉप स्टोरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। We'll be right back.